नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सतना नर्सरी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोर पंखी की कटिंग के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास यहाँ सामने सिबलिंग ट्रे पर रेत या बजरी मैंने रखा है, क्योंकि मोर पंखी के जो कटिंग है उसे हम बजरी पर ही उगाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बजरी को अच्छी तरह से आप छान लीजिए, साफ़ कर लीजिए और उस पर वाटर अप्लाई कीजिए। वाटर अप्लाई करने से ये आराम से बैठ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर कटिंग को अप्लाई करेंगे। ये देखिए, नर्सरी वाले आपको कभी नहीं बताते हैं कि मोर पंखी की कटिंग वो कैसे आसानी से उगाते हैं और एक ही पौधे से ढेर सारे वो पौधे तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ये देखिए फंगीसाइड, ये मेरा होम मेड फंगीसाइड है, और रूट्स हार्मोन पाउडर, दोनों को कुछ इस तरह मिक्स करके हम इस पर लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए, मोर पंखी का पौधा आसानी से तैयार होने वाला पौधा है। मोर पंखी के पौधे को आप जब भी तैयार करें तो उसे हमेशा आप बजरी पर ही तैयार करें। इसके लिए आप किसी भी प्रकार की मिट्टी का प्रयोग नहीं करें। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। मोर पंखी का पौधा वैसे तो बरसात के मौसम में तैयार किया जा सकता है, मगर आप इसे अगर अच्छा क्लाइमेट दे पाते हैं तो आप इसे किसी भी मौसम में तैयार कर सकते हैं। जैसा कि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, फिर भी मैं इसे तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि ये तैयार हो भी जाएगा। बाजार में अगर मोर पंखी के पौधे की बात की जाए तो एक पौधा कम से कम 50 रुपये या उससे ज़्यादा का ही मिलता है, मगर आप घर पर ही ऐसे कितने सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। जो मैं ये फंगीसाइड यूज़ कर रहा हूँ, ये होममेड फंगीसाइड है। आप चाहें तो इसे अपने घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ये मैंने घर पर ही तैयार किया है। तो दोस्तों, तैयार होने के बाद हम इसे रीप्लांट जरूर करेंगे। रीप्लांट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे बड़े से गमले का यूज करेंगे, कम से कम जो 8 इंच के आसपास का हो। और कहा जाता है कि मोर पंखी हमेशा जोड़े में ही लगाइए, इसलिए मोर पंखी को हमेशा 2 पौधों में ही लगाना है। मेरे पास पिछली बार एक ही पौधा था जिसे मैंने कटिंग से लगाकर डबल किया था। तो देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से तैयार है। मोर पंखी का पौधा काफ़ी शुभ माना जाता है, घरों पर लोग इसे लगाते हैं, कहते हैं कि इससे क्या है, लक्ष्मी का वास घर पर रहता है। आप मोर पंखी का पौधा अवश्य घर पर लगाएं, और अगर आप इसे नहीं लगा पा रहे तो मार्केट से आप इसे परचेज कर सकते हैं। किसी भी नर्सरी में मोर पंखी का पौधा आपको 100% मिल जाएगा। दोस्तों, थोड़ा मुझे तबीयत ख़राब है, मुझे थोड़ा सा जुकाम सा हो रहा है, और वैसे भी इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। कोरोना वायरस के बारे में अफवाहों पर ध्यान ना दें, सरकार जो गाइडलाइंस कहती है आप उसका पालन करें। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसकी सारी कटिंग अप्लाई कर दी है।
अगर 2 से 3 महीने बाद ये कटिंग्स क्या है डिपॉट होने के लिए तैयार हो जाएंगी, क्योंकि इन पे जड़ें जो हैं निकल कर आ जाएंगी बाहर। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने मोर पंखी की जो कटिंग्स हैं इन्हें अप्लाई कर दिया है सीडलिंग ट्रेस पर। कटिंग लगाने से पहले आपको ये देखिए ध्यान रखना है, इसका कुछ हिस्सा जो है कितने दूर तक आपको गड़ाना है, उसे क्या है साफ़ सुथरा कर देना है। ऐसे उस पर शर्ट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी ब्रांच नहीं होनी चाहिए। ऊपर की तरफ ब्रांच होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस इसे अप्लाई कर दीजिए और एक बार और वाटर अप्लाई कीजिए। मोर पंखी का पौधा हमेशा बजरी पे ही लगाया जाता है, क्योंकि बजरी पर ये आसानी से तैयार हो जाता है और इसे निकालना और रिप्लांट करना भी काफ़ी आसान रहता है। इस कारण हम इसे बजरी पर ही लगाए हैं। बजरी को आप क्या करना है, बस आपको उसे बजरी को 2-3 बार छान लेना है पानी से। किसी भी प्रकार की ज़्यादा इसमें बड़ी बजरी नहीं होनी चाहिए, महीन बजरी जो होती है रेत, जिसे हम हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो सोन बालू कहते हैं, सोन बालू का उपयोग मैं कर रहा हूँ, जो काफ़ी छोटे साइज़ की होती है। और हाँ दोस्तों, मैंने ये नहीं बताया आपको, अगर आपके पास ये रूट हार्मोन पाउडर नहीं है तो आप एलोवेरा के कटिंग का यूज कर सकते हैं। एलोवेरा आप कट करके लाइए और उसके अंदर जो गम रहता है उसे इस मोर पंखी के निचले हिस्सों पर लगाइए, यहाँ निचले हिस्सों पर लगाइए, जो रूट हार्मोन पाउडर का ही काम करेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको पसंद आई होंगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।